पहले से हमारी डिमांड थी कि वाल्मीकि समाज के किसी उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए दिल्ली की लोकसभा आरक्षित सीट से। वो अब की बार विभिन्न पार्टियों ने टिकट दिए भी चुनाव के लिए। दोनों राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल हैं उन्होंने टिकट दिए। हंसराज हंस जी लड़े और राजेश लुलोटिया जी लड़े। हंसराज जी हंस विजयी रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो वाल्मीकि समाज की जो बहुजन समाज की बहुत दिन से वो डिमांड थी वो पूरी हुई हमारी। और इसके साथ साथ हम लोग जो सबसे पीड़ा का जो विषय हमारे लिए, जो गटर में जो सफाई करते हुए जो हमारे सफाई कर्मचारियों की जो मौत हो रही है, वो बहुत पीड़ा का विषय हमारा बना हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग भी हम लोग चाहते हैं कि उनको एक सफाई के कर्मचारी जो चाहते हैं, सफाई के जो काम में जो पेशे में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वहाँ से हटा करके हम चाहते हैं कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। और जो व्यवसाय करने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि उनको औद्योगिक जो भूभाग हैं, जो भूखंड हैं, वो भी उनको अलाट किए जाएँ ताकि वो अपनी फैक्ट्री या अपना रोज़गार चलाने के लिए उसको इंडस्ट्री अपनी डेवलप कर सकें। इस तरह की हमारी डिमांड है। और हमारे यहाँ जो छात्रावास है, जैसे अभी हमारे दूसरे राज्यों से दिल्ली में यदि हमारे यदि छात्र छात्राएं आते हैं तो उनकी जो कहाँ पे रुके वो, हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके पास तो इतना पैसा है नहीं ना, हमारे लिए कोई स्पेशल छात्रावास बने। हमारे बच्चे या बच्चियाँ यदि आते हैं तो वो कहाँ रुके इतने महंगे में, वो तो पेइंग गेस्ट बन नहीं सकते। 20-25 हज़ार रुपये महीने के पे कर ही नहीं सकते हैं, फिर ऊपर से उनकी डाइट का। तो उस तरह के हम छात्रावास की भी हम डिमांड कर रहे हैं। और एक चीज़ हमने ये महसूस की है कि जो आउटसोर्स जो कर दिया है राज्य सरकार या केंद्र की सरकारों ने, जो भी सरकारें हैं ये वो कुठाराघात किया हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, तकरीबन सफाई पेशे के जो लोग जो जुड़े हैं उससे, वो आउटसोर्स की जो वैकेंसीज उन्होंने कर दी हैं आउटसोर्स पर रखना शुरू कर दिया है। जबकि DOPT की स्टैंडिंग डायरेक्शन ये है कि जो रेगुलर नेचर का जो काम होगा उसको आप आउटसोर्स कर ही नहीं सकते। ये स्टैंडिंग डायरेक्शन DOPT की, जब ये डायरेक्शन है तो सरकार या दूसरी जो राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार इस चीज़ को मान क्यों नहीं रही हैं। यदि आप आउटसोर्स नहीं करते हैं और रेगुलर भर्ती करते हैं तो सरकारी जो तनख्वाहें वो अच्छी मिलेंगी, उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, IAS IPS की जो सोचते हैं हम लोग वो उसमें तैयारी कर पाएंगे, अच्छी पढ़ाई करके उसमें जा सकेंगे, अफसर बन पाएंगे। लेकिन अब तो बिल्कुल पीड़ा का विषय ये है कि वो आउटसोर्स कर दिया, 5-6 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है। 5-6 हज़ार तो आजकल बिजली और पानी का बिल आ जाता है, यदि किराए पर यदि रखा जाए तो 5-6 हज़ार रुपये तो वो किराएदार उसमें चले जाते हैं। ये हमारी मुसीबतें हैं। सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करें जो अब तक नहीं आया था, खासकर जो वाल्मीकि समाज है वो उतना नहीं आया जितने की कल्पना होनी चाहिए थी या होना चाहिए था। लेकिन कई मायनों में देखा गया है कि जो जिस तरह के तमाम मामले अभी निकल कर आए हैं पिछले कुछ समय में कि सफाई कर्मियों को उतारा गया गटर में, उन्हें इक्विपमेंट्स तो छोड़िए, उन्हें मास्क जो देना जरूरी था वो तक उनके पास नहीं अवेलेबल था। तो ऐसे में उन टेंडर जो कंपनियों के टेंडर के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट के अंडर है तो गवर्नमेंट पे क्यों ऐसा कठोर कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर कोई बात की आपने? हाँ, ये हमने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के जो चेयरपर्सन थे मनहर भाई झाला जी, उनसे बात भी की। अभी आप, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा गुजरात में जो अभी जघन्य घटना हुई है उसके विषय में आपका इशारा मैं समझता हूँ। हम झाला साहब के पास में, हाँ दिल्ली में भी हुई है, उसके विषय में भी हमने बात उठाई है। आपको याद होगा अभी अंजना जी यहाँ पे, आपके बहुजन मीडिया के काफ़ी सारे साथी यहाँ पे हैं, उन्होंने देखा होगा हमने प्रदर्शन भी किया था इस विषय में। और हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए तो इमीडिएटली उनको दिलवाए हैं। और गुजरात सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की थी 10-10 लाख रुपए वहाँ पे इमीडिएटली मिले हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। केजरीवाल तो महाराज तो 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को। हमारा यही मांग है जो गटर में काम करते हुए जो सफाई कर्मचारी वहाँ पे उनकी मौत हो रही है, 1 करोड़ रुपया उनको कैश दिया जाए, एक सरकारी मकान दिया जाए, प्रधानमंत्री योजना जो आवास योजना चल रही है, फिर एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। इस तरह की हमारी डिमांड है। अभी हम आपको डिमांड चार्ट ऑफ डिमांड देंगे भी। लेकिन विषय ये है कि बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आपका, विषय ये है कि वो जो ठेकेदार जो उस तरह के इक्विपमेंट होते हुए उनको गटर में उतार देते हैं छोटा सा लालच दे करके, और उनकी एक किस्म से वो हत्या करते हैं। हमने ये मांग उठाई कि उन पर 302 का मुकदमा चले और उनको फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा का प्रावधान वो उसमें हो। ये हमारी ऐसी डिमांड है। अभी वो चार्टर ऑफ डिमांड हम आपको दे देंगे, उसमें पढ़ना, ये डिमांड हमारी मुख्य है। वाल्मीकि समाज ही क्यों सफाई का काम करे, इसके लिए जागरूकता क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसके लिए हमारी जागरूकता अभियान चला हुआ है। और यही मैंने अभी एक सेकंड पहले आपको बताया, अपने अपने साथी जो हमारे साथी मीडिया के, शायद आपको याद होगा मैंने एक ही सेकंड पहले अभी कहा कि हम लोग
ऐसे औद्योगिक प्लाट या ऐसे औद्योगिक भूखंड हमें मिले, हमें ट्रेनिंग दी जाए, हमें ऋण दिया जाए, ताकि हम इस पेशे से निकल करके, हमारे बाप दादा यदि करते रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे भी आने वाले वही करेंगे। हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित होकर के वो UPSC की तैयारी में लगे हुए, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए। हम उद्योग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उद्योग के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें ऋण बहुत बड़ी कठिनाई से मिलता है। ऋण की मिलने की जो शर्तें हैं वो बड़ी कठिन है। हम उद्योग लगाना चाहते हैं, हमें ज़मीन चाहिए उद्योग लगाने के लिए, इसीलिए औद्योगिक भूखंड की हमने डिमांड की है कि औद्योगिक भूखंड हमें मिले और उस उद्योग लगाने के लिए हमें पैसा मुहैया कराए, ऋण मिले, ताकि हम अपने उद्योग लगा करके अपने बच्चों को ये सफाई के पेशे से हटा करके दूसरी तरफ लेकर के जाए। सुरेंद्र जी, अधिकतर देखा गया है कि ये जो सफाई का काम है इसी को एक प्राइवेटाइजेशन किया गया है, अब तो पूरा देश ही प्राइवेटाइजेशन के उसमें जा रहा है, तो इन सफाई के काम को ही इतनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया? बिल्कुल सही आपका सवाल है, ये आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ मित्र, और आप ही क्योंकि बहुजन मीडिया से आप हैं तो आप भी हमारी पीड़ा से सहमत होंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक विशेष रणनीति के तहत, एक विशेष सोच के साथ, ये एक मार्शल कौम है वाल्मीकि कौम, और ये तकरीबन इसमें जाते थे, इस मार्शल कौम को अपंग बनाने के लिए, पंगु बनाने के लिए, इसके हाथ पैर काटने के लिए, इसके बच्चे IAS और IPS ना बने, इसलिए इन लोगों ने ये सोची समझी रणनीति के तहत ये आउटसोर्स किया है, ताकि क्योंकि सरकारी नौकरियों में यदि हमारे लोग रहते थे तो उनको तनख्वाही ज़्यादा मिलती थी, उनका रहन सहन अच्छा हो गया था, उनके बच्चे शिक्षा अच्छी लेने लग गए थे, और शिक्षा अच्छी जब मिलेगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठेंगे और वो IAS IPS या दूसरे अधिकारी और डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे, इसीलिए शायद ये सोची समझी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का मानना है कि वो रणनीति के तहत हमारे साथ में ये अन्याय किया गया है। सुरेंद्र जी, देखा गया है कि ये ऐसी समाज वाला भोला भाला समाज है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलम हाथ में दी थी और उनसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने भी जो एक रामायण लिखी थी शायद वो कलम के माध्यम से मोर के पंख से लिखी थी, लेकिन अब वर्तमान में फिर वही बात आ गई है कि झाड़ू हाथ में दे दी गई है। हम बिल्कुल इस चीज से सहमत नहीं है, हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे हमारे आदर्श भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं या वाल्मीकि जी हैं, हम कलम ही उठाएंगे, हम झाड़ू छोड़ना चाहते हैं, और मैंने इसीलिए कहा है कि हमें ऋण आसान किस्तों पे मिले ताकि हम अपना व्यापार शुरू कर सकें, हमें भूखंड औद्योगिक भूखंड मिले ताकि हम अपने उद्योग स्थापित कर सकें, इस तरह की हमारी विचारधारा है। और इस तरह के जो नौजवान हमारे साथी हैं वो आज देखिएगा आप यहाँ पे हमारे नौजवान साथी, हम यहाँ पर मीडिया आ करके बातचीत भी करेंगे विषय में आपसे। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। बाबा साहब की कलम, बाबा साहब का संविधान के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और रामायण के ऊपर चल करके एक और मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने अयोध्या में, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको हम चेतावनी देना चाहते हैं जो इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, यदि भव्य राम मंदिर वहाँ पर बनाना चाहते हैं तो रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर भी उसी प्रांगण में बने, और साथ साथ उसी प्रांगण में हमारा संग्रहालय भी बने, वाल्मीकि संग्रहालय। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो आंदोलन होगा, वाल्मीकि युवा सड़कों पर आएंगे, अपना लहू बहाने के लिए तैयार है वाल्मीकि युवा। तो क्या लगता है कि सर ये रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जो सरकार के अंदर या अभी जो समाज के अंदर? हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि समाज के लिए अभी हमारा युवा समाज जो है वाल्मीकि समाज बहुत जागृत हो चुका है, हमारे बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे उद्योग लगाना चाहते हैं, अभी 4-5 युवा यहाँ पे बोलेंगे भी आज। और मेरा मानना यही है कि देखिए, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज की एक बहुत दिन से स्टैंडिंग डिमांड है, वाल्मीकि जयंती की राष्ट्रीय अवकाश नहीं घोषित हुआ अभी तक भी, कितने दिन से हमारे पूर्वजों ने इस चीज की डिमांड रखी है, वाल्मीकि जयंती का राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, और जो हमारा ऐतिहासिक मंदिर वाल्मीकि पचकुया में, उसके सामने NDMC का कूड़ा डालने वाली जो एक NDMC उसको वहाँ पे सफाई का जो उसमें जुड़े हैं वो वहाँ पे NDMC का जो ऑफिस है, खत्ता है, उसको हटा करके हमारे वाल्मीकि मंदिर जो पचकुया का है वो साफ सुथरा होकर के हमें मिले और उसका हम सौंदर्यीकरण करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसको हम बनाएं, ऐसी हमारी डिमांड है। सर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मगर दिल्ली के अंदर
जो गरीब बच्चों का जो शिक्षा का जो रास्ता है प्राइमरी स्कूल, उसको निरंतर बीजेपी बंद कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हमारा आंदोलन आपने देखा भी होगा, हमारे एक साथी हैं अशोक अज्ञानी जी और दूसरी संस्थाएं जो हैं, जो बहुजन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, वो आंदोलन भी कर रही हैं, हमने भी आंदोलन किया। अंजना साहब, आप तो हमें हमेशा कवर करते रहते हैं, आपको पता होगा, आप सारे जो बहुजन के साथी हैं, आप ही तो हमारी आवाज है दोस्तों, आप ही तो हमें ऊपर चढ़ाते हो। सुरेंद्र जी, आप यूपीएससी की बात कर रहे थे, अभी आपने देखा कि ये 2-3 महीने के अंदर बिगर यूपीएससी के सेक्रेटरी बना दिया गया, आपने सुना होगा पेपर के माध्यम से भी या मीडिया के माध्यम से भी, बिल्कुल जानकारी सेक्रेटरी बना दिया गया, तो आगे क्या आप उम्मीद समझते हैं एजुकेशन नहीं हमारा रह जाएगा? मेरा सवाल वही था आपने, लेकिन उसे सही से नहीं दिया। नहीं, रिप्रेजेंटेशन हमारा रहेगा, क्यों तो ऐसे ऐसे चुने जाएंगे तो कैसे? नहीं नहीं, उस चीज का हमने विरोध किया, हमने विरोध इसलिए भी किया क्योंकि वो हमारे बच्चे जो आने वाले जो संघर्ष करके आ रहे हैं फिर वो वहां से हट जाएंगे, इस चीज का हम विरोध करते हैं। और हमने बल्कि इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है, वो आज चिट्ठी मेरे पास में अभी नहीं तो मैं आपको देता, और जो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है बड़े संघर्ष से बना है, वो चार्टर ऑफ डिमांड आपको हम अभी देंगे भी। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।